क्योंकि अगर तोहफा प्यार से दिया जाए और दे भी कोई आपका प्यार वाला रहा हो तो जीने का तो मज़ा ही आ जाता है कभी भी ये ना सोचना कि तोहफा महंगा या तोहफा सस्ता है तोहफा तोहफ़ा है तोहफ़े को उसकी कीमत से नहीं सामने वाले के जज्बात से तोला जाता है जैसे हमारे यहाँ शादियों पर तोहफे देने की रेस लगी होती है गिफ्ट चाहे अंदर फोटो फ्रेम ही क्यों ना हो डब्बा वड्डा होना चाहिए था क्यों तो क्योंकि फिर माशाल्लाह सारी जिंदगी शादी की वीडियो में रिकॉर्ड होता है किसने क्या तोहफ़ा दिया था क्या नहीं दिया था जो कि आई डोंट अग्री विद इट लेकिन होता है यारा को लो धार मांग देने

आई मीन साइड मिरर्स और स्कूल और कॉलेज में आपको ऐसे तोहफे मिलेंगे कि आपकी सोच है कुछ तो मेरे भाई कॉलेज जाते ही तोहफा लब नाश्ते हैं मोहब्बत का तहफ़ा मामा के लिए बहू ठीक है और कुछ तो ऐसे तोहफे होते हैं जो सारा साल कहते हैं कि यार पास होना कह मुश्किल काम में गया, तेरा है तेरा भ्रा जो है बूटी या नहीं फिट बना कि पेपर मलाई हो जाता है और फिर पेपर में चीटिंग करते हैं और फिर उनको तोहफ़े की सूरत में सप्रियाँ मिलती हैं कुछ लोग हकीकत में तोहफ़े होते हैं जिनकी ज़िंदगी में और जाने के बाद अंदाज़ा होता है कि ये लोग खुदा की तरफ से तोहफे थे हमारे लिए और ऐसे तोहफों को कहा जाता है अब्दुल सत्तार ईदी इंसानियत का कालम बरदार नुसरत फतेह अली खान मौसीकी का बादशाह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फखरे पाकिस्तान अरफा करीम यंगस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल और इनके बारे में कहा जाता है ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम और ऐसे खुदा के तोहफों को मैं और पूरा पाकिस्तान सलाम करता है और दुनिया का सबसे महंगा तोहफा तो आपके दिल से आता है ना कि किसी स्टोर से वो है आपकी स्माइल जो किसी के बुरे दिन को अच्छा बना देती है तो आए इस बात के साथ शो का आगाज़ करते हैं प्यारी बात से शो को आगे लेकर चलते हैं और आज की मेहमान को बुलाते हैं एक अदाकारा एक मॉडल इवन एक सिंगर भी है इनकी आवाज भी बड़ी कमाल है अमरीका छोड़, छोड़ के पाकिस्तान आ गई मेरी दोस्त जिनके साथ मैंने खुद भी काम किया हुआ है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस जिनके मॉडलिंग के चर्चे गल्फ मैगजीन में भी रहते हैं और इनकी एक्टिंग वन ऑफ द एक्टर्स इन पाकिस्तान इन फैक्ट इन दर्ल्ड तो आप सबकी भरपूर तालियों में आपकी मोहब्बत के साथ शोर जज्बा लगन जोश सब कुछ आज मुझे दिखा दो और अपनी मोहब्बत के साथ बुला दो फरिया महमूद क्या क्या बात है इतनी तारीफ अल्लाह तारीफ में यह सच था।

पचास साठ दिन बंद थी <laughs> और हम लोगों ने ए से लेके जेड तक उस प्ले को खत्म किया।, किया और एक दूसरे, एक दूसरे को जाना हमारी बहुत दोस्ती भी हुई हमारी लड़ाइया <laughs> और जब लड़ते हैं तभी दोस्ती <laughs> बड़ती बड़ती की होती है की exactly, 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 रियल है है ये नहीं क्या मजेदार वक्त वो शो होस्ट करो एग्जैक्टली exactly. मैं यही सोच रही थी मैं यहाँ आते हुए यही सोच रही थी कि यार मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि एक्चुअली उसने होस्ट करना शुरू कर दिया बिकॉज आई फील दैट यू कैन डू वंडर्स यू आर अ गिफ्ट टू पाकिस्तान वट यू डू यू ब्रिंग अ स्माइल टू टू एवरी वन यू यू शो योर फेस टू सो इट्स लाइक यू आर अ गिफ्ट मैन आई थिंक यू ये बहुत आला है सब मैं ये बहुत आला नहीं, है नहीं नहीं आया कि ये ऐसा ही है। फिर मैंने इसको जाना और फिर मैंने आ, यार, मुझे मैं पूछते थे ऐसे ही हो या तुम एक्टिंग कर रहे हो दो तीन हफ्ते दिन हमने एक बहुत सीरियस कॉन्वर्जेशन की थी मैंने कहा मोमिन कैन यू टेल मी Are you you actually like this, or pretend? एक्टिंग <laughs> करते हो नहीं ऐसा मैं <laughs> ही मैंने कहा <laughs> अगले दिन फिर मैंने बड़ा सोचा <laughs> बताओ <तुम laughs> ऐसे ही हो और मैंने कहा उठा ले रे बाबा लेनेटार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि सिर्फ आप एक दफा बता दें कौन है फरियाल महमूद ओहे कौन है हरियल में कौन है <laughs> जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा इवन वो पीछे की तरफ चला गया कौन है वो कौन है वो जिसने दोबारा मुड़कर मुझे, मुझे, मुझे नहीं, नहीं देखा हु इज ही देखा नहीं है वो भी एक्ट्रेस नहीं माशाल्लाह आप एक्साइटेड हैं शो के लिए यार मैं बहुत एक्साइटेड यारूँ जब मेरी रिसर्च टीम ने मुझे कुछ सवाल पूछने को कहे तो मैंने कहा नहीं ये तो मैं पूछूंगा ही नहीं इस तरह एक सवाल था उन्होंने कहा कि आप ज्यादातर नेगेटिव किरदार क्यों करती हैं हमारे ड्रामे में तो आप नेगेटिव थी नहीं बहुत पॉजिटिव थी ज्यादा ही पॉजिटिव ज्यादा ही था इतना था कितना होना ही नहीं चाहिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव किरदार करती थी अब नहीं हाँ अब तो मैं ड्रामा ही नहीं करती अब क्या करती हूं मैं बताऊँ तीन साल हो गए मैंने ड्रामा नहीं बताएं क्या, क्या करती रही तीन सालों में ट्रैवलिंग जगह मैं आहा 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 फिरती रही दुनिया फिरती रही है। मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ मैं यूरोप घूमी हूँ आई जस्ट केप ट्रैवलिंग इट वाज अमेजिंग आई वेंट फ्रॉम तुर्की टू बुडापेस्ट टू Um, Vienna to uh, Prague to Berlin to Dresden and then back and then I went to Spain and then I, I went to France. मैंने सब कर लिया यार एंड नाउ लाहौर देन पत्तोगी बूरे वाला देन खाने वाल वो भी होगा वो भी होगा हां दनुकाड़ा तुम साथ चलोगे तो होगा तो मेरे साथ यही जगह बनेगी बिल्कुल यही इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि तुम यही जगह लगा तो 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 सकते हो, हो तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा इस शो में बहुत ही मजा आने वाला है हम इनसे इनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे कुछ सीखेंगे भी क्योंकि मेजोरिटी व्यवस्थि हमारी यूथ है और हम उनको इंस्पायर करने की भी कोशिश करते हैं तो भरपूर है। तालियों के साथ शो को शुरू करते हैं और मैं कहूंगा फरियाल जी प्लीज ये है आपकी सीट ओके this, all, yeah! <laughs> क्या बात है जब एक वक्त जब लोग मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं हर कोई अमेरिका का वीजा अप्लाई करना चाह रहा है वहां का वीजा मिल जाए आप वहां थी सेटल थी सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान एक्टिंग करने आ गई थे जो खर्चा यार नहीं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उर्दू में एक्टिंग करनी है रीजन मुझे उर्दू में एक्टिंग करनी थी हालांकि उर्दू इतनी आती नहीं थी पढ़नी भी नहीं आती थी सही तरह बट बिकॉज आई गेस माई मॉम यूज टू एक्ट माई खाला यूज टू एक्ट माई एंटायर फैमिली में से एक्टर्स थे तो मुझे ये था कि मुझे वहां जाके वो ही करना है जो उन्होंने किया था और कुछ सिंगर्स भी आई थिंक दादा नाना नाना, नाना, सिंगर नाना, नाना थे। जी म्यूजिक डायरेक्टर थे माय मॉम यूज्ड टू बेसिकली सिंग वो एक्टिंग भी करती थी लेकिन वो बेसिकली सिंग करती थी शी यूज्ड यूज्ड टू सिंग या और

ईद पर यहाँ यहाँ नहीं आएगी टिफ जाएगी पहले ah, okay. you guys Bro, think you you know. नहीं यहाँ भी आएगी क्यों नहीं आएगी पाकिस्तानियों के लिए बनी है of course. लेकिन क्योंकि टीम अमेरिकन थी सारी तो वो बेसिकली पहले कैंस और टिफ वगैरह जाएगी और फिर वो यहाँ रिलीज होगी द फिल्म इज कॉल्ड बखरी वखरी वखरी फिल्म बनाती है जी। वो कहते नहीं तू मेरे नाल तू मेरे नाल वखरी वखरी फिल्म करती है <laughs> हां मेरा बख्री। नाम वखरी है उसमें आपका हाँ। नाम भी हां अरे मतलब वखरी फिल्म आ रही है वखरी हां ठीक है ये आएगी लिपसिंग बैटल पे जाने से पहले सवाल ये पूछना चाहूंगा जो मैं सबसे पूछता हूँ कि अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते और मैंने सुना आपने कहा मैं चोर होती ये कहां आपका से अपना गैंग तो, था कोई कोई न्यूयॉर्क में? में बात सुनो ये तुम, ये 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 हमारी लिविंग रूम से से निकाल रहे हो ये तुमने एक्चुअली से, से सुना है? है किसी ने मुझे बताया? <laughs> <ये है> वैसे <laughs> आपने बोला? <है>? <laughs> <laughs> आपका गैंग नहीं था न्यूयॉर्क गैंग नहीं था अ अगर मैं डांसर भी ना होती तो मैं जरूर चोर होती वो तो कैसी डाके वगैरह बड़े बैंकों को लूटती या खोखों से सवारियां उठा के यार मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़े-बड़े हाईस्ट कर सकती हूँ। मनी हाईस्ट टाइप हाँ। धूमफोर में फिर आपकी क्योंकि मैं एक्टिंग अच्छी करती हूँ ना एक्जेक्टली exactly. तो मैं किसी को भी बेच के कहां सकती हूं <laughs>

तू तो किसी और स्कूल जा या नहीं आम, एक दो जगह से हुई थी मैं सस्पेंड क्यों यार मैं मारती थी <laughs> मैंने एक जगह एक लड़की की रिब्स तोड़ दी थी रिब्स तोड़ दी थी हाँ इस पे भी अब मुझे पता है मीम बन जाएगी और सुल्तान की सलमान खान नहीं नहीं यार मैं छोटी थी और मुझे लड़ना आता था आई जस्ट फॉट सो इट वेंट टू अनदर लेवल आई जस्ट किक्ड हर here and I I broke her ribs and I got suspended. But that was only one time. ठीक है ठीक है एक और दफा मेरी लड़ाई हुई थी उसकी वजह से मुझे मुझे चेंज uh, करना पड़ा स्कूल um, लेकिन वैसे हम लोग मूव बहुत हुए हैं Okay, fair From enough. Karachi to New York, New York to Karachi, Karachi to New York, and we live in a very manipulative society, actually. So, वो जो aggression जो मैं हाथ से निकालती थी, अब वो यहाँ से करना पड़ता है, and that is even more tiring. That oh, लेट मी ओ अच्छा ये और वो अगले को भी रिप से ज्यादा नुकसान पहुंचता <laughs> exactly. <laughs> exactly. <laughs> इनको भी समझ नहीं लगी हमने ah, चोट, क्या क्या चोट चोट कहते हैं उसको चोट वहां मारो जहां पानी भी ना मिले <laughs> हम जाएंगे लिप सिंह बैटल की तरफ यहाँ पे लगेंगे मजे मजे के गाने और मैं उनको गुनगुनाऊंगा आई विल नॉट सिंग लिप सिंह करूंगा तो प्रोड्यूसर साहब क्योंकि एक बहुत बिग बजट शो है लिप सिंह बैटल का सेट लगा दें थैंक यू नहीं आती मैंने ना अपना को समझाया भी था कि मैंने कम करना <laughs> मेरा आय मेकअप उतरने लग गया है मेरी आंखों में से करवाए ओए दोस्त है रोल अरे ठीक तो है फिर मैं खुश हूं हम वैसे रोल हो ये जिंदगी में मैं तो ज्यादा रोल लग जाते हो के रोल हां हां देखो एक बात जिंदा दिल होना मैं हर शो में बात करता हूं लेकिन उनकी जिंदा देखो शी सो हैप्पी गुड वाइब्स हमें तो पता ही नहीं यार मैं सीरियसली माहौल करना चाह रहा अक्सर हमारे अंदर बीमारियां बन रही होती है हमें पता नहीं होता एकदम पता चलता है यार हाँ जान का टाइम आ गया तो जब जिंदगी मिली है तो उसको खुल के क्यों ना गुजारे क्योंकि एक दिन तो हम सब ने जाना सिक्स फीट अंडर योलो योलो तालियां यार वो मेरा वाला आखिरी बस लगा दो कौन सा और इसके बाद मोमन ने सर्व खा लिया <laughs> लेकिन इतनी तालियां हो कि आपके हाथ दर्द करना शुरू हो जाए कमाल कर दिया फरियाल ने छोटी सी ब्रेक लेंगे लेडीज इसी तरह आप भी जिंदगी में हंसते रहे अल्लाह ताला आपको भी अच्छे अच्छे साफ अच्छी नीयत वाले पॉजिटिव वाइब्स वाले दोस्तों से नवाज दे जिनके इर्द गिर्द आप जब जाए तो आप जिंदा दिल फील करें और इसी के साथ छोटी सी ब्रेक लेंगे आपने कहीं नहीं जाना इवन तो फरियाल मेरे साथ है विद मी बिकॉज आई लव यू कहीं मैं जाना इस तरह जाकर इस तरह आएंगे कीप पॉचिंग हद कर दी मोमेंट्स जिस तरह एक अच्छी दोस्ती फरियाल के बगैर इनकम्प्लीट है इसी तरह एक अच्छा शो पॉपकॉर्न के बगैर इनकम्प्लीट है

ठीक हो गया फरियाल के लिए कुछ सवाल लाए हैं जी जी तो फिर पूछे ना वाले जैसा कि आपने बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेवल किया है तो आपको सबसे ज्यादा जो मजा आया वो किस करन, कंट्री में आया जो जिसमें, जिसमें भी हाँ आप नहीं जा सकते आपको वीजा ही नहीं मिल रहा <laughs> <laughs> लेकिन फिर भी बता दें नहीं, वो तो ले लेंगे मसला नहीं मज़ा मुझे एक्चुअली खुद के साथ आता है मैं चाहे जहाँ भी हूँ तालिया बहुत अच्छी टाई लग रही है आपकी आपकी टाई के मुझे अमिताभ बच्चन, बच्चन का सीन याद आ गया कभी खुशी कभी ग़ब्बे जब वो बिल्कुल आपकी जिंदगी में है अरे इनको गले लगाए फॉरन गले लगाने को कहा था बहुत करीब जा रहे आप सवाल पूछे अच्छा मेरा सवाल ये मेरे फरहाल से आपने मोमिन भाई के साथ ड्रामा भी किया है तो आप मुझे ये बताएं कि मोमिन भाई ऑन सेट कैसे हैं और ऑफ सेट कैसे हैं ये ऑन सेट भी वही है ये ऑफ सेट भी वही है इतनी एनर्जी माशाल्लाह इतनी एनर्जी मैंने आज तक किसी में नहीं देखी जिसके साथ भी मैंने काम किया है एंड इट वाज मोमेंट्स फर्स्ट प्ले आई थिंक इज अ वेरी जेन्यून पर्सन वो ऑफ सेट ऑन सेट ऑफ बटन स्विच ऑन बटन ऑफ बटन नहीं है ये यही है क्या नाम है आपका मुझे लगा ये एकदम कहेगा सदर अली वक्कार आज का मौजू <laughs> वैसे स्टैंड अप वो है डिबेटर्स की तरह जी ब्रदर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पूछे मैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ फ्रॉम लाल इश्क और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं लाइक मैंने देखा भी अभी आपको तो मैं और मेरा दोस्त आपके साथ डांस करना चाहते हैं आप अग्री है भाई अग्री है ब्रदर बड़ा सही है इन फिर मुलाकात होती है ठीक है इनको आप लोग ले जाए। <laughs> आप तो फुल डांस के मूड में लग रहे हैं <laughs> वो रेडी बिल्कुल वो मैं देख पा रही हूँ आपकी बॉडी के अंदर जो एक भाई लगा दें <laughs> लगा दें <laughs> लगा दें जो भी है लगा दें वो कह रहे कुछ से खा भी दें में नो no, नो no, उर्दू में बोलो करते क्या हो वैसे अच्छा वो कॉन्सर्ट पे आया ऐसे कर रहे <laughs> ये बताइए किसको डेडिकेट करेंगे ये शानदार परफॉर्मेंस जो आपने दी है और सबसे पहले जो आपने क्या किया था फिर करें साइन करें वो बॉस कहाँ बाहर निकालेंगे जितने तुम अच्छे डांसर हो तुम तो ये <laughs> तो कोई बाहर की कंपनी हायर करेगी आप मीम बन के हिट हो जाओगे यार आप हिट थोड़ा सा ऐसा कुछ करके दिखाओ जो तुम्हें लगता है कि मीम बन जाएगी इस कैमरे में देखो और कर दो जो करना है आज तुम्हारा दिन है आ, क्या करूं लाइक कुछ नहीं करूँ यहां खड़े हो के जो करना है कर दो चलो डोलकी 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 <laughs> परफॉर्मेंस देखी हमारे मुल्क के लोगों का कॉन्फिडेंस देखा माशाल्लाह लेकिन मैं ये कहता चलूँ ये सिर्फ डांस नहीं करता ये एक बड़ी अच्छी कॉरपोरेट जॉब भी करता है तो ये बड़ा अच्छा बैलेंस स्ट्राइक कर रहा है <laughs> माशा इसके लिए जितनी दुआ करे काम में इसी के साथ चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ कहीं मत जाइएगा विल बी राइट बैक की जी वेलकम बैक लेडीज बड़ी मजे की बातें हो रही हैं फरियाल के साथ हंस भी रहे हैं एंजॉय भी कर रहे हैं लोग भी एंटरटेन हो रहे हैं और लोग हमें एंटरटेन कर रहे हैं और माशाल्लाह मुझे लग रहा है मैं होस्ट नहीं मैं गेस्ट हूं शी इज द होस्ट टुडे बट बातों का सिलसिला आगे लेकर चलूंगा और पूछना चाहूंगा एक आपका सीन हमने देखा

देख सकती ये ये वो फाइट नहीं है एंड में एक फाइट हुई थी यहाँ तो मैंने सिर्फ ये हल्का सा हुआ था एंड में एक प्रॉपर फाइट हुई थी जिसमें मुझे उसने टेबल पे फेंका था और टेबल टूटी थी फिर मुझे आ, शेल्फ में धक्का दिया था उसने और पूरी शेल्फ कांच की थी और वो टूटी थी ओरिजिनल तो नहीं था ना ओरिजिनल था लेकिन आ, वो एक्चुअली आई थिंक इट वाज अ पार्ट ऑफ द गिग जो पार्ट था वो हमने कर लिया था और वो मैं उसको यूं ला रही थी और उसने मुझे धक्का दिया और मैं धड़ का जाके मिनट एक्चुअली गुस्सा चढ़ गया था <laughs> नहीं नहीं आई थॉट कि ये करना है लेकिन मुझे नहीं लगा मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं इतनी जोर से लगूंगी शेल्फ में कि शेल्फ के शीशे टूट जाएंगे वो शेल्फ के शीशे टूटे और उसके बाद फिर आई एम सपोज टू ले हर ऑन किचन काउंटर एंड देन आई जस्ट और फिर एक छुरी लेके हमने एक बहुत मज़ा आया था उसको भी और मुझे भी आपने कहा कि the industry is full of people और और इंसान जितना जितना ऊपर जाता जाता है या जितना successful और powerful होता जाता है या होता उतनी वो इंक्रीज अच्छा होती पता है, है। आ, उस वक्त से आ, मैंने ये लर्न किया नॉट जस्ट द इंडस्ट्री वर्ल्ड इज फुल थैंक यू वेरी मच सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है ये पूरी दुनिया दुनिया है।, है यार सबकी है लेकिन ये ताली बजाने की इसमें खुशी होने की चीज नहीं है सिंस ये जो नीटू मूवमेंट सारा मूव हुआ है और वो सब कुछ hmm. हुआ है आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज इन मेल एक्टर्स अच्छा हां होन दे हो गए ने हां टोटल अलर्ट हो गए ने बिल्कुल बहुत बहुत प्यार से बहुत तमीज से बहुत अच्छे से हमें लाइक इट्स जस्ट इट इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इट वाज नेवर अ प्रॉब्लम और आपको लगता है ये खौफ है ये वो खौफ है उनके अंदर मीटू मूवमेंट के बाद के सारे गए अगले की तरफ चलते हैं तोले बगैर बोलो Bollywood में इनसे ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी किसी की नहीं है दीपिका अच्छा आपसे शक्ल भी मिलती है दीपिका की लोगों ने बोला पहले हाँ। मिलती है ना मिलती है, आपको किसी ने बोला पहले हाँ। बोला है ना तभी आप असल में आपको अपना कभी कॉमेडी सीरियल मिला तो किस कॉमेडियन को फॉलो करूंगी

मैं पॉलिटिक्स में चली गई तो जितना सत्यानाश हुआ उससे और हो जाएगा मुझे कुछ नहीं पता हॉलीवुड में काम करने का मौका मिला तो इनके साथ गॉड जॉनी डेब जॉनी डेब होटिंग शेख रशीद का शिगार छुड़वाना हो तो कैसे छुड़वाएंगे पहले तो ये बताओ शेख रशीद कौन है भाई शेख रशीद बड़े यंग मेंबर हैं एक, एक पार्टी के पॉलिटिकली हाँ मेरे पास टीवी नहीं है मैं टीवी नहीं देखती शेख साहिब सिगार <laughs> पीते हैं वो सिगार पीते हैं हर वक्त छुड़वानी हो हाँ. सिगरेट पी लें चलो शेख साहब सिगरेट तो ला दो यू <laughs> इसी के साथ बड़े अगले मजेदार सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मूड स्विंग्स मैं एक डायलॉग पढ़ूंगा उ? और एक सर्टेन इमोशन में आपको वो डायलॉग

My name is Rambo. John Rambo. Cockroach killer. Don't mess with me. <laughs> अरे ये तो हमें प्यार भरा डायलॉग लग रहा है. Next. जज साहिब मुझे मेरी जमानी लौटा दो मुझे मेरे 12 साल वापस लौटा दे ये को बड़ा फेमस पाकिस्तानी डायलॉग है मोहम्मद अली साहब का अच्छा <laughs> ऐसे ही करना तो जज साहब नहीं हो रहा हाँ हाँ बड़े दिल से लग रहा है हो रहा है दर्द जा आहे मुझे मेरी जवानी लौटा दो मुझे मेरा मुझे मेरा बारह साल लो वापस लौटा दो <laughs> मुझे लगा आप कहले कि मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवा दो या हाउ डिड दैट हाउ डिड यू गो अबाउट इट उसके लिए वो डिसिप्लिन uh, में आना उसके लिए वो माइंडसेट डेवलप करना वो किस तरह आपने किया और उसको कंसिस्टेंटली किस तरह फॉलो अप किया एंड इफ यू आर कंफर्टेबल आप लोगों को बता सकती हैं कि आपकी कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है एक ये जर्नी है ये एक जर्नी है जहाँ मैंने बहुत सारा वेट लूज़ किया फिर मैं साइज ज़ीरो हो गई और फिर मुझे सब ने बोलना शुरू कर दिया कि मैं अच्छी नहीं लग रही और ऑब्वियसली मैं उस वक्त तक उस वक्त कुछ खा भी नहीं रही थी और मेरी मेरा डिसिप्लिन ये आई हैव टू स्लीप एट एट ओ एट नाइट एंड नॉट स्पीक टू एनी वन क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर जाऊँगी मुझे भूख लगेगी फिर रात को उठे रहूँगी तो भूख लगेगी तो जल्दी सो जाओ जल्दी उठो प्रोटीन शेक पियो डाइट ये वो इट वॉज़ टू मच आई सर इट ईटिंग अगैन आई केम अपू साइज फॉर फिर कोविड के दौरान आई

थैंक यू सो मच कि आप इस शो पर आई आपने हमारे साथ इतनी मज़े की बातें की और मुझे एक दफ़ा फिर आई फेल्ट रियली गुड आई मेट यू आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम तो मैं कहता हूँ जहाँ हम हंसते हैं खेलते हैं हंसी मजाक की बातें करते हैं वहीं हमने माशरे की उन तल हकीकतों पर गौर करना है जो सोसाइटी का हिस्सा है और हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें हमारे आखिरी सेगमेंट के थ्रू जिसका नाम है गौर करो एनी थिंग डैट लाइक टू से बिफोर वी एंड द शो विद द लास्ट सेगमेंट आई लव द शो बहुत मज़ा आया बहुत इंटर था यू नो यू नेवर गेट टू एक्चुअली इंटरेक्ट विद द ऑडियंस वैन यू गो ऑन अदर शोज़ एंड आई आई डोंट थिंक मैंने कोई भी पब्लिक अपरेंस दी है

ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने हेल्दी फूड फ्रूट्स वेजिटेबल्स और होम कुक्ड फूड की बजाय जंक फूड ज़्यादा खाना शुरू कर दिया कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज़ हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को इनक्रीज़ करने में भी अनहेल्दी फूड का एक बहुत बड़ा हाथ है आए गौर करें कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करना होगा और एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाना होगा बिल्कुल और अपनी उम्र को जरा लंबा करने में अपना जरा साथ देना है यू नो वॉक्स पे जाना है हेल्थी रहना है जिम जाना है योगा करना है एंड ईट greens, पका पका के तेल में भर भर के चीज़ें नहीं खानी है जस्ट लेट्स बिकम अ बेटर हेल्थी अ नेशन Why not? Or, usi tarah we'll be a happier nation. Happier nation, yes. Because you are what you eat. Unhealthy फूड भी मत खाएं और अनहेल्दी इंफॉर्मेशन भी मत कंज्यूम करें बिल्कुल आई एग्री आई कंप्लीटली एग्री ऑन दैट वन राइट देयर कि अनहेल्दी कन्वर्सेशन जो कन्वर्सेशन आपको अनकंफर्टेबल कर रही है वो सुनना जरूरी नहीं, नहीं है यू कैन ऑलवेज से नो एब्सोल्युटली तो इस बात पर गौर करें और मिलते हैं आपसे हद कर दी कि अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़